पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। प्रणाम एलिजेंस। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम एलिजेंस 94.8। मैं मीरल पटिदार। मैं रिया नरियानी, स्टूडेंट ऑफ एलिजेंस एकेडमी कोक्षी फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार नए विषय के साथ आते हैं और नए विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो आज हम संस्कार, जीवन में संस्कारों का महत्व विषय पर बात करने वाले हैं। मीरल, क्या तुमने सुना है कि अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा और अच्छी संगति, अगर ये तीनों मिल जाए तो जिंदगी निखर जाती है? हाँ रिया, मैंने सुना है और इसलिए ही तो हमारा विद्यालय एलिजेंस एकेडमी भी हमेशा से बच्चों को संस्कारी बनाने की कोशिश में रहता है। हाँ मीरल, तुम सही कह रही हो। हमारा विद्यालय संस्कारों पर आधारित विद्यालय है और यहाँ बच्चों में हर प्रकार के संस्कार को विकसित करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो रिया, क्या तुम्हें लगता है कि बच्चों में संस्कार सिर्फ विद्यालय से ही आते हैं? हाँ, कुछ हद तक यह सही है, क्योंकि बच्चों के आचरण में जो अलग से संस्कार शामिल होते हैं वह अधिकतर शिक्षा की अवधि में शिक्षकों के सानिध्य में होते हैं, लेकिन बच्चों की पहली पाठशाला तो उसका परिवार ही होती है। इसीलिए बच्चों में संस्कार डालने की सबसे बड़ी भूमिका परिवार के बड़े बुजुर्गों की होती है। तो रिया, फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है। हाँ, जैसे गुब्बारे में हवा कार्य करती है, उसी तरह संस्कार में जीवन कार्य करता है। अगर गुब्बारे में हवा की जगह पानी डाल दे तो वो गुब्बारा रहेगा लेकिन उड़ नहीं पाएगा। उसी तरह संस्कार की जगह कोई और ले ले तो वो जीवन तो जी पाएगा लेकिन इंसान नहीं बन पाएगा। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि अगर जीवन में संस्कार होंगे तो ही वह अच्छा इंसान बन पाएगा? हाँ, क्योंकि संस्कार से आता है विचार, विचार से बनता है व्यवहार, जैसा होगा व्यवहार वैसा होगा विचार। आपके बारे में जैसा बन गया प्रचार, उनके सपने हो जाएंगे साकार। हाँ रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए संस्कारों का होना जरूरी है, क्योंकि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता बहुत से जरूरी कामों को करने के लिए पीछे छोड़ देते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संस्कार। हाँ मीरल, तुम्हारी बात सही है। यदि बच्चों के अंदर शुरुआत से ही अच्छे संस्कार होंगे तो उसके आने वाले भविष्य में वह अपनी कामयाबी अपने अच्छे संस्कार के दम पर ही हासिल कर सकता है। जितना कि शिक्षा आज के ज़माने में ज़रूरी है, उतना ही बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार का होना भी महत्वपूर्ण है। तो रिया, क्या तुम बता सकती हो कि बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए माता पिता को कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना जरूरी है? हाँ मीरल, यदि माता पिता अपने बच्चों की परवरिश और उनके अंदर अच्छे संस्कार के लिए चिंतित हैं, तो जवानी तक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। अच्छे संस्कार होने से पहले बच्चों को नवजात उम्र में अच्छे आहार और पौष्टिक खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चों को बचपन से ही कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन करने से परहेज करवाना चाहिए, जैसे मांसाहार, फास्ट फूड, बासी और तेल मसाले वाला भोजन। अपने बच्चों को अच्छी और ख़राब आदतों में फ़र्क समझाना चाहिए। अपने बच्चों को उनके शिक्षा विषय, करियर और सफलता के बारे में बताएं और उनको प्रोत्साहित करते रहें। अच्छा मीरल, तुम और इसके बारे में कुछ बताना चाहती हो क्या? हाँ रिया, बच्चों की उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाएं, बच्चों की दिनचर्या एवं उनकी संगति पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। उनको समझाना चाहिए कि आपको किन लोगों के साथ रहना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। बच्चों को थोड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने उठने की भी सलाह दें, साथ ही बच्चों को थोड़ा त्योहारों में भी विश्वास कराना सिखाना चाहिए। हाँ मीरल, तुम सही कह रही हो।
पर नीरज सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कारी प्रवृत्ति के हों, बड़ों का आदर करना सीखे, उनको सम्मान दे, बच्चों में अच्छी आदतें विकसित हो, बच्चों के अंदर अच्छे बुरे की पहचान हो। इसके अलावा बच्चे शिष्टाचार एवं पूर्ण व्यवहार करना सीखे। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए। तो मीरल, क्या तुम बता सकती हो कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने के बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं? हाँ रिया, मैं बता सकती हूँ कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार कैसे विकसित करें और उनके लिए क्या जरूरी है। बच्चों के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था जागृत करें, बच्चों को बचपन से बड़े बुजुर्गों का आदर कराना सिखा, जैसे पैर छूना, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना आदि। बच्चों को प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत सिखाए। बच्चों को प्रातःकाल उठने के क्या क्या फायदे होते हैं बताना चाहिए, तथा ये भी बताएं कि देर तक सोने के क्या क्या नुकसान होते हैं। बच्चों के अंदर बचपन से ही जरूरतमंदों लोगों के प्रति सहयोग की भावना जागृत करनी चाहिए। बच्चों को कहे कि अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। बच्चों को दोस्ती का महत्व समझाए। रिया, क्या तुम इस विषय पर और कुछ कहना चाहोगी? हाँ मीरल, मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों को बताएं कि समय का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम किसी भी कार्य को समय पर नहीं करेंगे तो हमें उसका जुर्माना चुकाना पड़ेगा। बच्चों को बचपन से बड़े लोगों से कैसे बात करनी चाहिए तथा छोटे तथा बराबरी वालों से कैसे। बच्चों को सिखाना चाहिए कि माता पिता का सम्मान करें, किसी भी काम को करने से पहले माता पिता की ज़रूर राय लें। अपने बच्चों के सामने आप हमेशा सत्य बोलें और उनको बताएं कि किसी भी परिस्थिति में हमेशा सत्य का ही साथ दें। साथ ही अपने बच्चों के अंदर कर्तव्य निष्ठा, प्रेम की भावना, देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना तथा बच्चों के अंदर सहन शक्ति की भावना को विकसित करना भी जरूरी है, जिससे बच्चे संस्कारी बन सके। रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जीवन में संस्कारों का महत्व विषय पर बहुत सारी जानकारी प्रदान करी है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे घर में बड़ों का ही अनुसरण करते हैं। जैसा बड़े व्यवहार करते हैं, ठीक वैसा ही बच्चे भी सीखते हैं तथा करते हैं। तो पहले बड़ों का अपना आचरण और व्यवहार को बदलने की ज़रूरत होगी। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे इस समय पर और नए विषय के साथ। इंटेलिजेंस FM 94.8। धन्यवाद।